तो फास्ट चार्जर भाई कितने टाइप्स के होते हैं, फास्ट चार्जर एक्चुअल में कितना फास्ट होता है, छोटा फास्ट चार्जर कितने का आता है, बड़े वाला कितने का आता है, और अगर हम अपने घर पे लगा के फास्ट चार्जिंग करनी है उससे पैसा कमाना है तो वो कैसे होगा, इन्हें कौन बेचता है, इन्हें ये बेचता है। यस, ये है बोल्ट अर्थ। आज की वीडियो होगी बोल्ट अर्थ के साथ। मगर क्यों? क्योंकि भाई इनके पास है इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क, जो कि 500,000 शहरों में 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स है और 1.5 लाख यूजर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो देखो, इंडिया के अंदर ना दो तरह के फास्ट चार्जर होते हैं, एक होते हैं एसी फास्ट चार्जर, दूसरे होते हैं डीसी फास्ट चार्जर। एसी फास्ट चार्जर को हम बोलते हैं टाइप 2 एसी चार्जर, इनका पोर्ट होता है भाई इस तरह का। डीसी फास्ट चार्जर को हम बोलते हैं CCS2 चार्जर, इनका पोर्ट होता है भाई इस प्रकार का। अब देखो, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है, कार कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक टूलर बनाने वाली अपनी इलेक्ट्रिक टूलर बनाई जा रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रा पे इतना ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बड़ी प्रॉब्लम पे भाई एक्चुअल में काम कर रहा है बोल्ट अर्थ। ये भाई अपने पूरे चार्जिंग सॉल्यूशन को 3 लेवल के अंदर लेके आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सबके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई लेवल 1 वाले चार्जर, जिसमें आपको अपना खुद का चार्जर लाना पड़ता है अपने साथ, जैसे कि इस बाइक का ये वाला चार्जर है। इसे आप लगा दोगे सॉकेट में, जो कि 3-पिन प्लग है, जिसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है 3.3 किलोवाट। इसे लगाने के बाद आपको इस चार्जर को यहाँ पे रख देना है और इसे कनेक्ट कर देना है ऐसे। अब इस वाले में ना हमें वेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई चार्जर नहीं है, इसमें हम अपना खुद का चार्जर यूज कर रहे हैं, जो कि एक स्लो चार्जर होता है, चाहे आपका स्कूटर हो या फिर बाइक हो, इसमें आप इवन आप कार भी लगा सकते हो, लेकिन जो कार का स्लो चार्जर होता है 3.3 किलोवाट, वो मैक्सिमम यहाँ पे सपोर्टेड है। बात करें लेवल 1 चार्जिंग पॉइंट के यूसेज की, तो इन्हें भाई खुद के घर में यूज किया जाता है अपने व्हीकल को चार्ज करने के लिए, या फिर हम इसे सोसाइटी में भी लगा लेते हैं, जहाँ पे सोसाइटी में आपस में बंदे से शेयर भी कर लेते हैं। तीसरा, यहाँ पे हम इसे होस्ट बन के इससे पैसे भी कमा सकते हैं। कोई भी बंदा जिसे चार्जिंग पॉइंट की जरूरत होगी, वो आएगा भाई मोबाइल एप्लीकेशन से इसे स्कैन करेगा और वो यूज कर लेगा। बात करें यहाँ पे सेफ्टी एंड स्मार्ट फीचर्स की, तो इसके अंदर हमें 4G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, पावर एंड वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन, ब्लूटूथ वाईफाई कंपैटिबिलिटी विद OTA सपोर्ट, यहाँ पे यूजर ऑथेंटिफिकेशन भी देखने को मिलती है विद मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। प्राइस यहाँ पे स्टार्ट होती है 3400 रुपए से और जाती है 14,000 तक। तो लेवल 1 में जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो काफी कम है। उसके बाद आता है लेवल 2 चार्जर, जो कि स्टार्ट होता है 7 किलोवाट से, फिर 11 किलोवाट, फिर 22 किलोवाट। ये स्पेशली 4-व्हीलर्स के लिए होता है, कार्स के लिए होता है। इसका जो पोर्ट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब लेवल 2 के भी अंदर ना पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जर आते हैं, 7 किलोवाट, 11 किलोवाट या फिर 22 किलोवाट। 7 किलोवाट सपोर्ट करती है भाई नेक्सॉन EV, 11 किलोवाट सपोर्ट करती है आयोनिक 5 और 22 किलोवाट को सपोर्ट करती है ऑडी की इट्रॉन, जिनसे ये गाड़ियां स्लो चार्जर के मुकाबले काफी जल्दी चार्ज हो जाते हैं। ये रे भाई इनके चार्जिंग टाइम। बात करें यहाँ पे यूसेज की, तो भाई इसे भी दोनों तरीके से यूज किया जाता है, पर्सनल और बिजनेस। पर्सनल में भाई किसी बंदे के पास इलेक्ट्रिक कार है, उसे अपनी कार को जल्दी जल्दी फास्ट चार्ज करना है, तो वो इस चार्जर का यूज कर लेता है। बात करें बिजनेस की, तो भाई वहां पे आपको पैसे कमाने हैं, तो इस चार्जर को अपनी लोकेशन पे लगाना है, उसे ओपन कर देना है भाई सबके लिए, तो बंदे आएंगे उसे यूज करेंगे और पैसे पे कर देंगे। बात करें यहाँ पे सेफ्टी एंड स्मार्ट फीचर्स की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है पावर एंड वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन, स्मार्ट ऑटो पावर कट ऑफ, ईथरनेट सिम, वाईफाई एंड OTA सपोर्ट, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, यूजर ऑथेंटिफिकेशन विद मोबाइल एप्लीकेशन। इनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है भाई 50,000 से और जाती है 80,000 तक। लेवल 2 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो मीडियम लेवल का है। उसके बाद आते हैं भाई लेवल 3 चार्जर, जो कि होती है डीसी फास्ट चार्जर, ऐसा पोर्ट होता है भाई इनका, और ये सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं भाई। ये आते हैं 24 किलोवाट, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, फिर 50 किलोवाट, फिर 60, 90, 120, बहुत आगे तक चले जाते हैं भाई। एग्जांपल लिए नेक्सॉन EV कार सपोर्ट करती है 50 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर को, जबकि किया की EV6 तो 60 किलोवाट, 120 किलोवाट, 240 किलोवाट तक भी सपोर्ट कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाते हैं यार बहुत ज्यादा फास्ट। टाइप 2 AC से ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। यहां पे जो चार्जिंग टाइम होता है वो घंटों में नहीं होता भाई, वो मिनट्स में होता है। इन दोनों कार का जो चार्जिंग टाइम है वो आपको यहां पे दिख रहा होगा। बात करें इनके यूसेज की, तो डीसी फास्ट चार्जर को ना जनरली घर में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डीसी फास्ट चार्जर के लिए ना बड़े इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और इन्हें वहां पे यूज किया जाता है जहां पे चार्जिंग की जरूरत बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है, जैसे कि हाईवेज हो गए या फिर फ्लीट ऑपरेशन हो गए, कोई बड़ा होटल हो गया। यहाँ पे सेफ्टी एंड स्मार्ट फीचर्स की, तो यहाँ पे हमें 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, फिर ग्रिड रिस्पॉन्सिव मीटरिंग, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, सर्ज प्रोटेक्शन,
ओवर टेम्परेचर, ग्राउंड फॉल प्रोटेक्शन, यहाँ पे सारी तरह की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इवन ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ है। बात करें यहाँ पे प्राइसिंग की, तो ये स्टार्ट होती है 6 लाख रुपए से, फिर 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, डिपेंड करते हैं कि आप कितने बड़ा चार्जर खरीद रहे हो। तो लेवल 3 में जो इन्वेस्टमेंट लेवल होता है वो काफी हाई होता है। तो ये थे भाई बोल्ट अर्थ के 3 लेवल के फास्ट चार्जर्स। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि भाई लेवल 1 कहाँ पे यूज होता है, लेवल 2 में कितनी इन्वेस्टमेंट है, डीसी फास्ट चार्जर कितने फास्ट होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। दूसरी तगड़ी चीज जो ये कर रहे हैं वो है इसके अंदर, तो ये भाई इनके कारीगरी, ये जितने भी आप डिस्प्ले देख पा रहे हो इन सभी के अंदर भाई बोल्ट अर्थ का ओएस डला हुआ है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिख जाती है, ये भाई नॉन टच है, ये भी नॉन टच है, ये भी नॉन टच है, लेकिन ये टच स्क्रीन वाली है। अब ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो या फिर सीधी भाषा में बोले तो डिस्प्ले देख रहे हो, इसके अंदर बोल्ट अर्थ का खुद का ओएस है जो की अलग अलग कंपनियों से डायरेक्टली परचेज करती है अपने इलेक्ट्रिक कूलर में लगाने के लिए। अब इनका जो पूरा डिस्प्ले वाला सिस्टम है इसके अंदर फीचर्स भी है भाई, जैसे की मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ ईवी कॉम्पोनेंट including BMS, controller, motor, vehicle peripherals, seat locks, indicator light and other. तो चौंक मत जाना कि फ्यूचर में जाके आपको बहुत से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बोल्ट अर्थ का OS मिले। इसके अलावा कंपनी भाई और भी चीजें करती है, जैसे कि ईवी फ्लीट मैनेजमेंट, किसी की ईवी फ्लीट चल रही है उसे मॉनिटरिंग करनी है अपनी फ्लीट की, भाई क्या क्या सीन चल रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारे व्हीकल्स जा रहे हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं और भी बहुत कुछ भी करते हैं भाई। अगर सब कुछ बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इनकी वेबसाइट पर आप देख लेना। तो भाई अब कुल मिला के कहीं ना तो बोल्ट अर्थ जो है ना वो पूरा ईवी इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सीधी भाषा में बोले तो भाई हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इनके पास। अगर आपको खुद के लिए पर्सनल चार्जर चाहिए, आपको चार्जर लगा के उससे पैसे कमाने हैं, फ्लीट को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर किसी ओईएम को अपने टू व्हीलर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सब मतलब सब, तो भाई बंदे बहुत नेक काम कर रहे हैं भाई, ईवी रिवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ईवी रिवोल्यूशन को बढ़ाता है उसे तुम्हारे भाई का फुल सपोर्ट हो जाता है। तो भाई बात समझ में आई हो तो इनकी वेबसाइट पर जाओ, चेकआउट करो इनकी वेबसाइट को, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट दोनों जगह डाल रखा है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है उसे देखो, समझ में आता है तो ले लो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक मारो।